हेलो दोस्तों, आईटी टेक्निकल कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत से बच्चों ने मोबाइल से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं। उनके सर्टिफिकेट पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है डिजिटल सिग्नेचर के जगह पर। बहुत से स्टूडेंट परेशान है कि सर, हमारे जो सर्टिफिकेट है उसको कैसे वेरीफाइड करें। उस डिजिटल सिग्नेचर जहाँ पे है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आ रहा है निशान। पहली बात, इस क्वेश्चन मार्क को कैसे हटाएं और कैसे हम राइट का ऑप्शन लाएं। बहुत बच्चे परेशान हैं, बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, सर हमें बता दीजिए कैसे करें। तो मैं ये बता देता हूं कि जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में आने का मेन मकसद ये है क्योंकि वो डिजिटल सिग्नेचर है। जब वो डिजिटल सिग्नेचर अपलोड किए थे आपके सर्टिफिकेट में, तो एक ऐप के माध्यम से किए थे। उस ऐप का नाम है फॉक्सिट ऐप। जब उस ऐप के माध्यम से किए थे, यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मल मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अपने खोल रहे हैं उस सर्टिफिकेट या डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वहां पे वेरीफाइड अपना सिग्नेचर नहीं दिखा रहा। कारण यही है क्योंकि हम उस वाले सॉफ्टवेयर के यूज नहीं कर रहे हैं जिस वाले सॉफ्टवेयर के उन्होंने यूज करके अपलोड किया था डिजिटल सिग्नेचर। बहुत बच्चे परेशान है कि सर कैसे हटाएं, कैसे हटाना है, और हमारे मोबाइल पे यही आ रहा क्वेश्चन मार्क आ रहा, आप बता दीजिए। तो मैं तो सबसे पहले बात यही बताऊंगा कि आप लोग क्यों परेशान हैं। आप लोग अपने घर के आसपास जनसेवा केंद्र होगा, वहां चले जाइए, जिसको बोलते हैं एमपी ऑनलाइन की दुकान। वहां पे जाके आप खुलवा सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रिंट चाहिए। प्रिंट करने के बाद आप लोगों को अपने संस्था से सील साइन होगी, तभी आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट वैलिडिटी रहेगी, वैलिड रहेगी। ऐसे आप सोचो कि हम डाउनलोड कर लें और रख लें अपने पास, तो कहीं भी जाओगे तो आप पटक जाओगे। दूसरा ये है कि आप लोग अपने आईटीआई पे संपर्क करें। जहां से आपने आईटीआई किए, आपने फीस दिए होगे, 2 साल वहां पे क्लासेस किए होगे, एग्जाम दिए हो, तो अब मार्कशीट क्यों लेने जा रहे हो? मार्कशीट वहां से उठाओ, आईटीआई से उठाओ। क्या आपने लड़ाई करके रखा है वहां से उठा लो। वहां से आईटीआई वाले खुद आपको वैलिड सिग्नेचर का ही मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको देंगे। पहली बार उस बच्चों ने, दूसरी बात यह भी है कि बोल रहे हैं कि सर हमारे जो कॉन्सुलेटेड मार्कशीट है, उस कॉन्सुलेटेड मार्कशीट में जो क्यूआर कोड आ रहा है वो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, खाली आ रहा है, वहां पे आ ही नहीं रहा है। उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बहुत स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, सर हमारे कॉन्सुलेटेड मार्कशीट है, उसमें क्यूआर कोड आ ही नहीं रहा, बार कोड जिसको बोलते हो आ ही नहीं रहा है। कारण यही है कि अभी अपडेशन चल रहा है, अपडेट हो रही है मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो, अभी उसमें काम चल रहा है। किसी के हम आ रहा प्रॉपर दिखा रहा, किसी के हम नहीं दिखा रहा, किसी के हम कुछ दिनों बाद दिखा रहा, बट आ जाएगा, सभी के हम आ जाएगा। यदि वो भी नहीं आ रहा तो आप लोग एक काम करना, एनसीबीटी की जो साइट होती है, एनसीबीटी की साइट पे वहां कोने पे जाना। उस कोने पे आपको ग्रेवियंस का एक कंप्लेंट टूल आएगा। कंप्लेंट टूल पर आप ग्रेवियंस कर दीजिए, और ग्रेवियंस में ही आपको अटैच करना कि हमारे कॉन्सुलेटेड मार्कशीट पर क्यूआर कोड अपलोड नहीं है या अपडेट नहीं है, तो वो हट जाता है 4 दिन 5 दिन में, वो भी हट जाता है। आपको बस कंप्लेन एक करनी पड़ती है आईटीआई एनसीबीटी के साइट पर, वो कर दीजिए। और इसके लिए आप लोग यही करना है, यदि आप खुद कहीं पे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए फॉक्सिट एक नाम का एफ है, या OXIT, एक बार और लिख देता हूं, OXIT। इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पे डाउनलोड करिए। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाउनलोड करके इसमें आप खोलेंगे ना, तो आपकी मार्कशीट वैलिड दिखाएगी, वेरीफाइड दिखाएगी। इस वाले सॉफ्टवेयर में खोल के आप प्रिंट कर सकते हो, फिर अपने संस्था से जहां से आप लोग आईडिया के वहां पे सील साइन करवा लो। यदि सील साइन नहीं करवाया तो आपकी मार्कशीट में वैलिडिटी या वैलिड हम नहीं बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि आगे कहीं जाओगे आपने जॉब करने या बोलोगे यही कि आपकी मार्कशीट वैलिड नहीं, आप नेट के द्वारा डाउनलोड किए हो, ये वैलिड नहीं है। तो फॉक्सेट एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो और फिर इसमें आप सर्टिफिकेट खोलो, वेरीफाइड कर लो। इसके माध्यम से वेरीफाइड हो रही है मार्कशीट, बहुत बच्चे कर भी रहे हैं और हर एक संस्था वाले खुद कर करके बच्चों को दे रहे हैं। बच्चे बस संस्था से जाए, संपर्क करें, उनको प्रिंट आउट मिलेगा और वेरीफाइड मिलेगी और सील साइन विथ मिलेगी। तो आप लोग परेशान न हो। क्यूआर कोड के लिए आप ग्रेवियंस कर सकते हो। ग्रेवियंस एनसीबीटी की साइड से हो रहा है, आप वहां से जाइए और एनसीबीटी की साइट पर ग्रेवियंस आता है, वहां पे कंप्लेन करिए। और इसके लिए आप लोग एमपी ऑनलाइन केंद्र सेवा में जा सकते हो अपने वेरीफाइड करने के लिए, जहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है सर्टिफिकेट पर, या खुद कर सकते हो। फॉक्सिट एक सॉफ्टवेयर एफ है,
उसके माध्यम से आप डाउनलोड करिए, उसके माध्यम से आप खोलिए सर्टिफिकेट, तो आराम से वहां पे वेरीफाइड हो जाएगी, वेरीफाइड मिलेगी। क्योंकि जो डीजीटी आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा है, इसी ऐप के माध्यम से, इसी साइट के, इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड कर रहा है, तो वहां पे जो डिजिटल सिग्नेचर अपलोड हो रही थी यहीं से हो रहा है, तो वहां पे वैलिड दिखा रहा है। हम लोग के यहाँ क्वेश्चन मार्क इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग किसी और ऐप में, किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन कर रहे हैं उस सर्टिफिकेट को, इसलिए वो सर्टिफिकेट हमारे यहाँ क्वेश्चन मार्क दिखा रहा, कारण यही है। बस मैं यही कहूंगा, तो आप लोग आईटी से संपर्क कर सकते हो, खुद फॉक्सेट ऐप के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हो और वेरीफाइड कर सकते हो, फिर प्रिंट लेकर सील साइन करवा सकते हो। और जो QR कोड की बात करें, कॉन्सुलेटेड मार्कशीट या कोई भी मार्कशीट में आपके QR कोड नहीं आ रहा, वहां पे क्वेश्चन मार्क है या क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ है, तो आप ग्रेवियंस कर दीजिए, कंप्लेन डेस्क से कंप्लेन के लिए अप्लाई कर दीजिए, तो वो भी एक हफ्ते के अंदर आपको QR कोड वाली अपलोडेड मिल जाएगी मार्कशीट। बस आज के ही है, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, परेशान थे, सर हमें बता दीजिए कैसे कैसे करना है, तो आप लोग इसी तरह करिए, और नया तरीका कुछ नहीं है, परेशान मत होइए, सीधे आप ITI आ जाइए, जिस जहां से ITI की हो, जो जहां से की हो, कोई ये नहीं है कि कहीं चले जाओ। भाई आपने ITI में एडमिशन लिया था, ITI से पढ़ाई की हो, तो आप ITI से संपर्क करो, क्यों परेशान हो, सील साइन करवा लो, प्रिंट आउट ले लो, आराम से फ्री हो जाओ। QR कोड की बात है तो वहां ITI से भी आप लोग कंप्लेन करवा सकते हो, यदि आपसे नहीं आ रहा है, नई बात नहीं है। बस आज के लिए यही था, और आगे कुछ होता है अपडेट तो मैं बता दूंगा।